अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने पर बीजेपी के अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर सवाल किया है। सांसद ने वीसी तारिक मंसूर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के मौजूदा अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी ने कहा है कि जिन्ना को छात्र संघ ने 1938 में आजीवन सदस्यता दी थी। ये जो विभिन्न क्षेत्र है समाज के, चाहे उनका पॉलिटिशियंस हों, साहित्यकार हों, साइंटिस्ट हों, वो जो बहुत ही जिनके अहम भूमिका रही है उसको 1920 से उन लोगों ने यूनियन की एक ऑनरेरी डिग्री, ऑनरेरी मेंबरशिप देने का एक सिलसिला शुरू किया था। 1920 में गांधी जी को ये यूनियन की सदस्यता दी गई थी। उसके बाद पंडित नेहरू को दी गई, वी वी गिरी को दी गई, मुरारजी देसाई को दी गई, गोपालाचार्य को दी गई, राजेंद्र प्रसाद को दी गई, बी आर अम्बेडकर को दी गई, सी वी रमन 1931 में आए थे यहाँ, जो बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, उनको डिग्री दी गई। इसी तरह इसी क्रम में 38 में प्री पार्टीशन पीरियड में 1938 में जिन्ना यहाँ पे आए थे तो उनको यूनियन ने अपनी यही ऑनरेरी मेंबरशिप दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो जो है वो फोटो लगी हुई है स्टूडेंट यूनियन हॉल के सेंट्रल हॉल में लगी हुई है। और मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट यूनियन एक इदारा है, एक बहुत पुराना इदारा है, 1905 में जिसकी बुनियाद रखी गई थी और आज 2018 में हम लोग जी रहे, लगभग 125 साल होने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि उनका फ़ोटो क्यों लगा हुआ है। उनका फ़ोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 1938 में उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। क्यों नवाजा? क्योंकि उस टाइम में उन्होंने जो भी समाज के लिए और देश के लिए काम किया उसकी वजह से नवाजा गया।